हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबल गौरव। मैं अंकित तिवारी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिवर्सल प्रिकॉशंस क्या होते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या हो, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। देखिए, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल्स हो, हर के लिए जब जो पेशेंट आ रहा है, हम ये नहीं जानते ना उसको कौन सी बीमारी है, वो कौन सी बीमारी का सिम्टम का शिकार हो चुका है, ये हम कुछ भी नहीं जानते। वो पेशेंट क्या हमारे लिए अननोन है और हम उस पेशेंट के लिए भी अननोन है। लेकिन पेशेंट को तो डिजीज हो रखी है ना, लेकिन हमको अपने उस डिजीज से हमको बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, कुछ बचाव करने पड़ेंगे, ताकि हम उस जो पेशेंट को बीमारी है वो बीमारी हमको ना हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से, WHO की तरफ से कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उसका पालन करना होता है। जैसे अभी आपने पहले भी देखा होगा कोविड में कितनी कि 13 डेज के क्वारंटीन पीरियड होता था। इसमें क्या होता था, मतलब गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर प्रिकॉशन किया था कि सब मास्क लगाएंगे, ये करेंगे, तो ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया। लेकिन अब देख, जैसे डेली लाइफ के लिए हम लोग जैसे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं या हॉस्पिटल डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है या हेल्थ वर्कर्स हैं, कोई भी हो, तो क्या होता है कि जैसे अब हम कर रहे हैं पेशेंट को सीरिंज लगा या इंजेक्शन दे रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या उसका ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, वेनी पंचर कर रहे हैं, स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम तो जान नहीं रहे हैं कि वो पेशेंट किस सिम्टम का शिकार हो चुका है बीमारी का। पता चला HIV हो, कहीं से भी ब्लड का लीकेज, उसके मतलब उसका ब्लड हमारे ब्लड के संपर्क में आ गया तो हमको भी हो सकता है या किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ के हो सकता है। सीरिंज हम उठा रहे हैं, कैसे सीरिंज को पकड़ना है, कैसे सैनिटाइज करना है, क्या करना है, ये सब के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं, उसी के बारे में हम अब चर्चा करने शुरू कर रहे हैं। तो आइए, पहले किसी भी चीज़ का, अगर किसी भी गाइडलाइन पढ़ने के लिए पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका एक बैकग्राउंड होता है कि क्या बैकग्राउंड है, कैसे, क्यों बना, क्यों आया। तो देखते हैं, In 1985, largely because of the emergence of HIV or AIDS, guidelines of protecting healthcare worker from becoming infected with HIV or the blood-borne infection, SCV were quickly developed, become known as universal precautions. क्या हुआ 1985 में, ये HIV इतना खतरनाक बीमारी है कि इसका सिम्टम भी तक का शो नहीं होता। इसका सिम्टम शो होने में बहुत दिन लग जाते हैं। जैसे ये नहीं होता कि आज तुम कोई पेशेंट आया, आपने प्रिक किया निगल और लगा कि उस वो HIV कि हम जाए टेस्ट करा लें, हमको भी HIV के लिए, अगर उसको HIV के लक्षण है। नहीं भाई, इसके लक्षण आते आते हैं बहुत दिन लग जाते हैं, तब जाके इसके एक लक्षण आते हैं। लाजी विकास इमरजेंसी HIV जब उस समय बहुत घातक प्रभाव डाल रहा था, तब इसकी जरूरत पड़ी कि कैसे इसको एक लाया जाए, एक प्रिकॉशन के रूप में लाया जाए, ताकि हम अब सोसाइटी के साथ साथ जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी बचाया जा सके। तो आइए देखते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रोटेक्ट स्टाफ एंड पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो क्या करता है, जो हमारे स्टाफ्स हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो उनको बचाया जा सके कोई गंभीर बीमारी होने से। पर कोई जैसे कोई भी जो हमारा हमारे जो स्टाफ्स हैं, वो हेल्थ वर्कर्स हैं, साफ सफाई करते वक्त, कुछ भी करते वक्त क्या हो सकता है नीडल कहीं प्रिक कर गई उनके शरीर में, तो नीडल उस जो नीडल लगी हो वो किसके लगी, HIV या कोई ऐसे पेशेंट के लगी हो जिसको वायरल कोई इन्फेक्शन हो, और वही नीडल क्या हो गई, उनको प्रिक कर गई, तो अल्टीमेटली उनको भी HIV या कोई भी वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसकी कंटामिनेशन ये हो गया तो क्या होगा, कभी शेविंग कर रहे हैं उससे भी, उससे फिर क्या होगा, ग्लोबली में ये 1% to 1% ट्रांसफर होगा, जो कि बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। आइए देखते हैं वो क्या होती है डिफिनीशन, एक यूनिवर्सल प्रिकॉशन की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं।
Universal precaution is the term applied to treating all blood, tissue and some body fluid as potentially infection. Universal precaution क्या है, किस पे दिया गया है? जो treating चाहे blood हो, चाहे mucus हो, चाहे saliva हो, चाहे कोई भी body fluid हो, cerebral spinal fluid हो, peritoneal fluid, कोई भी fluid हो, उससे बचने के लिए जो precautions दिए गए हैं, जो precaution जो हम लोग उससे बचाव करें, वही क्या है, precautions हैं। This appropriate level of precaution is necessary is determined to recording extent of possible exposure of blood and body fluid, not because of speculation of the vaccine status of the patient. ये जो एपिल लेबल है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है जो ब्लड है कैसे ऊपर वो क्या बॉडी फ्लूड है क्या कैसे, जैसे हमने स्कैपुला या कोई चीज लगाया उससे उस चीज से क्या उस बॉडी में इन्फेक्शन दूसरे को अपने को ना हो, उससे बचाव करने के लिए कोई भी बॉडी फ्लूड अपने पेशेंट का बॉडी फ्लूड अपने बॉडी फ्लूड से संपर्क में नहीं आना चाहिए किसी भी अवस्था में। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ बॉडी फ्लूड हैं ट्रीटेड विद यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जैसे है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड CSF। ये क्या होता है, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या होता है, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। Brain to spinal cord. Peritoneal fluid. Stomach. Peritoneal fluid, stomach. और pleural fluid, lungs. Pleural से कुछ पता है? Lungs में pericardial heart. और synovial fluid कहाँ से आता है? Synovial fluid. क्यों? Joints में, especially knee joints में कहते हैं। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें पता लगाते हैं जाइगोटिक कंडीशन, ये क्या यूट्रस जाइगोट में होता है, है? क्या एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बाद क्या होता है, यूरिन से भी क्या होता है, हम बचाव करना चाहिए कि जो पेशेंट है वो कैसा है, कंटामिनेटेड वो पेशेंट कैसा है, किस बीमारी का शिकार है, या जो ज़्यादा दिन तक यूरिन कंटामिनेट तो नहीं होगी जिसकी हम टेस्ट लगा रहे हैं, इस सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है। फिर सीमेन एंड लास्ट वन इज नॉलेज वेजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब क्या है, बॉडी फ्लूइड है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन जब लेना चाहिए। पहला क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा क्या है, पेरिटोनियल फ्लूइड। तीसरा प्लूरल फ्लूइड। चौथा पेरिकार्डियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, फिर यूरिन, फिर सीमन, फिर वेजाइनल सीक्रेशन, या कोई भी सलाइबा को भी ले लें, इंक्लूडिंग सलाइबा एनी अदर फ्लूइड कंटेनिंग विजिबल ब्लड इंक्लूडिंग सलाइबा या टिश्यू या कोई ऑर्गन भी क्या कर सकता है, हमको इंफेक्ट कर सकता है, हमें उस बीमारी जो पर्टिकुलर पेशेंट को बीमारी है हमको भी बीमारी वो बीमारी हो सकती है। देखिए एनी अदर फ्लूइड कंटेनिंग विजिबल ब्लड इंक्लूडिंग सलाइबा फिर टिश्यू या ऑर्गन्स। अब आइए पांचवा में यूनिवर्सल प्रिकॉशन इंक्लूड्स, क्या क्या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में आते हैं। पहले हमको क्या करना चाहिए, अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, सबसे जरूरी बात अपनी स्किन की क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। क्यों स्किन की क्या करनी चाहिए, केयर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके हमको बचने, भगवान ने पहले ही इम्यून सिस्टम को हमारे जो रखे हैं, सबसे पहला रिस्पॉन्स जो वेरियर है बॉडी की जो प्रिक बैक्टीरिया वायरस या फंगस कोई प्रिक करने आता है पहले हमसे कहाँ लड़ता है, पहले हमारी बॉडी के किस पार्ट पे अटैक करता है, स्किन पे। लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम कोई डायरेक्टली कोई बैक्टीरिया वायरस या फंगस हमारे बॉडी में डायरेक्टली प्रिक नहीं कर सकता, अंदर नहीं आ सकता, एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन वो आ सकता है जब आप सलाइवा के माध्यम से, जबकि यहाँ भी पिए थे जो हमारे सलाइवा ये भी इसमें भी ये एंजाइम्स होते हैं
उस बैक्टीरिया को मारने का काम किया, फंगस को मारने का काम करते हैं। लेकिन अगर कहीं आपने आपके कहीं कट लगा है और ब्लड यूज कर रहे हैं, ब्लड कंटामिन वो ब्लड यूज करते रहे हैं पेशेंट का, जिसको क्या हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है, तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है। दूसरा वो है कि हमको क्या करनी चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। जब भी आप कोई भी सैंपल लगाएं या सैंपल को लगाएं या सैंपल टेस्ट लगाने के पहले या टेस्ट लगाने के बाद, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, अपनी हैंड को प्रॉपर सोप से या सोप से प्रॉपर डिसइंफेक्ट जो कर दें, जिससे क्या होगा उसमें जो टेस्ट लगा रहे हो उसमें जो पैथोजन हो, जो आपके टच में आए हो, वो आपके बॉडी में इंट्री ना कर सकें। तीसरा है, थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव एपियर। जो प्रोटेक्टिव एपियर है, ग्लव्स है, आपका एप्रेन है, शूज है, एंड ये सब और हेयर कवर है, ये सबको प्रॉपर पहन के ही कोई टेस्ट लगाएं, ताकि कहीं से भी आपको इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा भी ना हो। क्योंकि ये सावधानी सावधानी यदि दुर्घटना घटी, वही वाला हाल हो जाएगा कि आपका आप नहीं इन्फेक्टेड होते हुए भी आपको आपकी कोई गलती नहीं होगी, आप एकदम प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे। एंड फोर्थ वन इज प्रोसीडर फॉर सेफ हैंडलिंग ऑफ सांस। हम लोग जैसे नहीं सिरिंज कैसे भी पकड़ा लिया, ऐसे पकड़ लिए, जो नाइड नीडिल है कैसे, स्पिरेशन नीडिल कैसे भी पकड़ लिए, कैपुला है वो भी कैसे पकड़, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उसका क्या, सेफ हैंडलिंग, कैसे उसको सेफ हैंडल किया जाए कि हाँ, उससे जो जो पेशेंट हो उसको उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में ना आने पाए। एंड फिफ्थ वन इज प्रॉपर सेफ डिस्पोजल ऑफ सांप्स। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी लगाया, पेशेंट को लगाया और कहीं भी उठा के फेंक दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर बैग होनी चाहिए या डस्टबिन जो कलर्स की आती हैं, जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन दी गई हैं, उनमें ही फेंक उनमें ही डिस्पोज करें, तो बाकी कहीं और इधर उधर ना फेंकें, ताकि किसी आप अपनी जान तो बच सकते हैं, हो सकता है आपको वो ना हो सकता है मे बी आप कहीं से बच जाए, आपने ऐसे फेंक दिया, पेशेंट को नहीं दिक्कत, लेकिन सामने से कोई आ रहा है वो तो नहीं देख रहा कि यहाँ क्या गिरा है क्या नहीं गिरा है, वो उससे वो कंटामिनेट हो जाएगा और उसको क्या हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगी, एक बीमारी हो जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिलेज। जो ब्लड है या कोई बॉडी फ्लूइड है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि ये ब्लड है, इसका ये डेट है, ये टाइम है, ये ऐसा है, ये सीन, मतलब हर एक चीज प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए, जिससे आपको ताकि पता लग सके इस पेशेंट का किस कौन सा टेस्ट होना है, कौन सा ये होना डेट होना है, ये इमरजेंसी पेशेंट क्या है, सब पूरा होना चाहिए, पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या क्या टेस्ट होने हैं। सेवन मंथ इज वेस्ट डिस्पोजल। सबसे इम्पोर्टेंट वेस्ट का क्या होना, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर डस्टबिन होनी चाहिए, जिसमें कोई भी वेस्ट हो, जो हॉस्पिटल वेस्ट हो, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कंटामिनेशन फैलाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, जिससे इनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। केयर ऑफ द स्किन, हम स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। केयर ऑफ द स्किन, बैक्टीरिया एंड वायरस कैन नॉट पेनिट्रेट द स्किन। देखिए अभी हमने बताया था, वही लिखा है, जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो अपनी स्किन को, हमारी स्किन को क्या करते हैं, पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, अंदर इंट्री नहीं कर पाते हैं। तो अगर कर सकते हैं जब आपकी क्रेपिंग हो या डाइंग ऑफ स्किन हो, जब स्किन में कोई कट लगा हो या कोई स्किन पे रोज हो, जिससे वो बैक्टीरिया क्या होंगे, हमारे स्किन में क्या कर देंगे, इंट्री कर जाएंगे। बाकी वैसे कोई बैक्टीरिया, भगवान ने ऐसा पहले से हमको बना के रखा है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता। भगवान पहले से ही जानते थे कि हम मनुष्य कैसे हैं, क्या क्या कर हम लोग उल्टा सीधी करते रहते हैं, इसलिए भगवान ने पहले से उसको ही व्यवस्था कर रखी है।
देखिए यहाँ लिखा है, इट इज देयरफॉर वाइटल टू कीप द स्किन इन गुड कंडीशन एंड प्रिवेंट क्रैकिंग गैपिंग एंड ड्राइंग ऑफ द स्किन। एंड सेकेंड वन इज रेगुलरली चेक स्किन फॉर कट्स एंड कवर विथ वाटर प्रूफ ड्रेसिंग टू अलाउ एडिक्वेट हैंड वॉशिंग। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी स्किन को जब आप टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हो, जब भी आप टेस्ट को क्या करने जा परफॉर्म करने जा रहे हो, इट्स योर ड्यूटी कि आप स्किन को प्रॉपर देखें, चेक करें कि कहीं कहीं पे भी हमारे कट तो नहीं लगा है, कहीं पे कट तो नहीं लगा है स्किन पे। अगर कट लगा होगा तो क्या होगा, आपके बॉडी फ्लूइड उस जो टेस्ट लगा रहे हैं उसका परफॉर्म कर रहे हैं उसका कोई बॉडी फ्लूइड आपकी ब्लड में संपर्क में आ जाएगा, आपके अटैच हो जाएगा, जिससे आपको हो जाएगी बीमारी। ये सब अगर आपका कट लगा है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पहला क्या क्या करना है, पहले वाटर प्रूफ जो इसको ड्राई स्किन को ड्राई करेंगे उस पर वाटर प्रूफ टेप चिपका लेंगे, तभी कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे, चाहे वो छोटा कट हो चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा कट हो, इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। फॉलोइंग रिमूवल ऑफ ग्लव्स वॉश हैंड, जो अपने ग्लव्स को प्रॉपर कैसे रिमूव करना है, कैसे हैंड को वॉश करना है, इस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ड्राइंग ऑफ स्किन फ्लॉइंग हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करेंगे, फिर स्किन को ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे। फिर हैंड वॉशिंग इज कंसीडर्ड एज अ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन। हैंड वॉशिंग सबसे सिंपल तरीका है किसी भी पैथोजेनिक एक्टिविटी से बचने का, सबसे सबसे सिंपल तरीका क्या है, हैंड वॉशिंग। इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है, जाके सीधा साबुन से आप या अपने हाथ को या डिसइंफेक्ट कर देंगे या धो लेंगे, तो ये क्या है, सबसे सीधा तरीका है, सबसे सही तरीका है। माइक्रोब्स ऑन ह्यूमन स्किन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। जो माइक्रोब्स हैं ह्यूमन स्किन पे वो कौन से कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए हैं, टू ग्रुप्स में, रेसिडेंट फ्लोरा एंड ट्रांसिएंट कंटामिनेटेड फ्लोरा। पहले कौन सा, रेसिडेंट फ्लोरा एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिएंट कंटामिनेटेड फ्लोरा। अब आए पहला पढ़ते हैं रेसिडेंट फ्लोरा के बारे में। नॉट इजी टू एलिमिनेट बाय स्कर्विंग सिंस दे आर अडॉप्टेड बाय टू लिविंग ऑन ह्यूमन हैंड। इसको जल्दी हम हटा नहीं सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते बाय स्कर्विंग या किसी भी मेथड से ये ह्यूमन हैंड से। एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिएंट फ्लोरा और कंटामिनेटेड फ्लोरा। Easy to eliminate by scrubbing with soap or detergent. ये जो फ्लोरा है, ये इसको जो contaminated फ्लोरा है, इसको क्या कर सकते हैं हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं स्क्रबिंग के माध्यम से, सोप के माध्यम से, डिटर्जेंट के माध्यम से, जिससे जो ये अक्सर हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके हाथ में होता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स बेस्ड को या कोई भी टेस्ट को या कुछ भी करते हैं, हर हॉस्पिटल वर्कर में हॉस्पिटल वर्कर मतलब जितने लोग ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी हो जो हॉस्पिटलिटी से जुड़ा हुआ होगा, उसके अंदर ये कंटामिनेटेड फ्लोरा होगा। उसके लिए जरूरी है कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले, टेस्ट परफॉर्म करने के बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड हैंड को वॉश जरूर करें। एंड देखिए हैंड वॉशिंग इंडिकेशन पहला क्या होगा, बिफोर पहले स्टार्टिंग वर्क एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट। सेकंड वन इज, थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन, हैंडलिंग डिसइंफेक्टेंट इंस्ट्रूमेंट, पुटिंग ऑन ग्लव्स, गोइंग होम। ये करना चाहिए। पहला क्या है, स्टार्टिंग वर्क, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, किसी भी मतलब पेनिट्रेट करने के लिए, बेनी पंचर करने के लिए क्या करना चाहिए, हैंड को वॉश करना चाहिए, फिर ग्लव्स पहनने चाहिए, एग्जामिन पेशेंट करना चाहिए, एडमायरिंग इंजेक्शन को एडमायरिंग, हैंडलिंग डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं ये प्रॉपर ध्यान रखें वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज है कि नहीं स्टरलाइज है, इसका पूरा खास ध्यान रखेंगे, और वो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट है या प्रॉपर स्टरलाइजेशन स्टरलाइज है या नहीं है, अलग दूसरे का इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट हम पेशेंट पे यूज कर रहे हैं वो क्या है, कंटामिनेट है, और ना चाहते हुए उस बेचारे पेशेंट को क्या कर दे दिया हमने, डिसीज दे दिया,
इसलिए सिरिंज हमेशा न्यू और स्टेरलाइज यूज करनी चाहिए। वैसे सिरिंज जो आती है वो पार्टिकुलर स्टेरलाइज होती है, उसको कोई सी भी तरह का कॉटन या किसी से स्टेरलाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो कुछ लोग देखते हैं गाँव में या कहीं भी डॉक्टर देखते हैं स्किन को, उसको लगा के स्टेरलाइज करते हैं स्किन को, सिरिंज को, उसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सिरिंज आती है वो प्रॉपर स्टेरलाइज होके ही आती है। पुटिंग अ ग्लव गोइंग होम आफ्टर क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन एग्जामिंग पेशेंट हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियली कंटामिनेशन आइटम और बॉडी स्टिचन ऑफ ग्लव रिमूविंग ग्लव यूजिंग द टॉयलेट और लैट्रिन स्नीजिंग और कफिंग। एग्जामिंग पेशेंट, पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट और पोटेंशियली कैसे इंस्ट्रूमेंट को, उस इंस्ट्रूमेंट को जैसे हम क्या हुआ कि जो जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हों, जो हम टेस्ट कर रहे हों उसके बाद क्या टेस्ट वो कैसे पकड़ते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे पकड़ते हैं। जैसे हमने क्या किया, ब्लड हम कलेक्ट कर लिए वेनी पंचर के माध्यम से या किसी माध्यम से, या कोई फ्लूइड कि कौन से वायल में डालना है कैसे डालना है, इसका प्रॉपर केयर होना चाहिए, प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। कितनी यानी कि ऐसे डाल के स्प्रिट से किए वायल में जाने पर जगह पूरा हमारे शरीर पे आ गई या बॉडी पे आ गई, जिससे क्या हो गया हम खुद कंटामिनेट हो गए। हम जब ऐसे सिरिंज में तो कोई भी वायल से सिरिंज से डालेंगे ब्लड या कोई बॉडी फ्लूइड या कोई भी, तो क्या होगा अगर कहीं जरा सा सी भी मिस्टेक कैन कॉज यू डेथ, इसलिए इसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। सिक्रीशन एक्सक्रीशन और ग्लव्स को प्रॉपर रिमूव करना चाहिए। कैसे रिमूव करना है, सैनिटाइज पहले कर लेंगे पहले, इसके बाद ग्लव्स को एक धीरे सांस ये सांस से फिर ऐसे ऐसे उतार के फिर हैंड को फिर सैनिटाइज करेंगे, फिर हैंड को वॉश करेंगे, और जो टॉयलेट या लैट्रिन हम यूज़ करते हैं उसको देखेंगे ऐसे हॉस्पिटलिटी में, क्योंकि वहाँ पर कैसे पेशेंट आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं उसका भी प्रॉपर देख के ही हम टॉयलेट या लैट्रिन किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे। पता नहीं कैसे कंटामिनेशन हो कि ना हो, इसका भी खास ध्यान रखेंगे। स्नीजिंग और कफिंग ये तो इम्पोर्टेंट है, कोई पेशेंट आया आपके ऊपर ही छींक दिया या खांस दी, जिससे कारण आप भी क्या हो गए, उस पेशेंट के बॉडी फ्लूइड क्या हो गए, आपकी बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो गई, का भी उस जो बीमारी है उसके शिकार हो सकते हैं। ड्यूरेशन इंटायर प्रोसीजर हैंड को वॉश करने के लिए वेट हैंड्स विथ वाटर, पहले क्या प्रोसीजर है, जो वेट हैंड है उसको किससे पहले करेंगे, वाटर से प्रॉपर करते हैं नॉर्मली, फिर क्या करें अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेस, क्या करें प्रॉपर जो सोप है वो क्या हो प्रॉपर अप्लाई करें हैंड के सरफेस पे, फिर इसको हैंड पाम टू पाम, इसको पाम टू पाम ऐसे क्या करेंगे रब करेंगे पूरा आपका जो सरफ हैंड है वो फिर कवर अप हो जाए सॉप से, फिर क्या करेंगे ऐसे जो हमारी उंगलियां हैं इसको इनमें भी क्या हो जाए वो सॉप चला जाए डिसइंफेक्ट हो जाए। और फोर्थ इज पाम टू पाम फिंगर एंड इंट्रैक्ट, ऐसे पाम टू पाम फिंगर इंट्रैक्ट ऐसे सॉप को अप्लाई करेंगे, फिर ऐसे बैक टू फिंगर कपिंग पॉम्स एंड इंटरलॉक्ड बैक टू फिंगर अपोजिंग पॉम्स एंड फिंगर लॉक्ड, ये देखिए ऐसे। एंड सिक्स वन इज रोटेशन रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब केयर्स राइट पाम वाइस वर्सा, ऐसे इसको इसमें ऐसे रब करेंगे ताकि जो हाथ में इधर उधर कहीं भी डिसिमिनेट है वो आसानी से निकल जाए। देन रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड प्लेसमेंट फिंगर राइट पाम ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड अच्छे से इसको ऐसे, ये जो स्लो स्टेप है ये एक बार में होता है। एंड एट्थ वन इज राइज हैंड्स विद वाटर, अब हम क्या करेंगे अपने हाथ को टैप वाटर से राइज करेंगे मतलब साफ करेंगे। एंड नाइन्थ वन इज ड्राई हैंड थ्रॉली विद सिंगल यूज टॉवल,
इसके बाद क्या करेंगे, जो हम टॉवल यूज करते हो सिंगल यूज, ये नहीं कोई भी और यूज करके गया फिर हम भी यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा कंटामिनेशन हो जाएगा या कोई भी फंगल या वायरल इन्फेक्शन हमारे अंदर आ सकते हैं, उस हाथ के धोने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप सिंगल यूज टॉवल यूज करें। इसमें हॉस्पिटलिटी में मेन फोकस यही होना चाहिए कि सिंगल यूज चीजें यूज करें। इसमें क्या होगा कि आप कोई भी जो बीमारी है उसके खतरे से बचेंगे। एंड 10th मंथ इज यूज टॉवल टू टर्न ऑफ बकेट। एंड 11th वन इज योर हैंड्स आर नाउ सेफ। 11th प्रोसीजर इतने करने के बाद अब हाथ आपका सेफ है, क्लीन है कोई भी और एक्टिविटी करने के लिए। उसके पहले कोई भी बॉडी फ्लूइड या कोई भी बॉडी पार्ट को अपने टच ना करें। कुछ लोग का ऐसा होता है हाथ से बाई एयर को टच करते रहते हैं, ऐसे टेस्ट करते रहते हैं, ऐसे इधर उधर फोन चलाते रहते हैं जो कि गलत है। टेस्ट परफॉर्म करते समय हो सकता है आप फोन को सैनिटाइज थोड़ी ना कर रहे हैं बार बार। कुछ लोग का आदत होती है टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और फोन लेके घुसे पड़े हैं, जिससे क्या होगा वो कंटामिनेशन आपके फोन में भी हो सकता है, आपके पॉकेट में भी आ सकता है, आपके पूरी बॉडी में कवर अप हो सकता है। उसके आपका फिर क्या होता है कभी कभी फोन ऐसे ऐसे जीभ से लगाते सलाइबा को भी टच कर रहे हैं, जिससे ना चाहते हुए भी ना जान पाते हुए भी कि हमारे बॉडी में आपके बॉडी में वो पैथोजन स्पेसिफिक पैथोजन क्या हुआ एंट्री कर गया है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने थोड़ी सी लापरवाही की, एक फोन या कोई भी चीज पेपर हो कोई भी, जब आप टेस्ट कभी भी टेस्ट को परफॉर्म करें सबसे जरूरी यह होना चाहिए कि जब टेस्ट को परफॉर्म करते समय आप अपने किसी भी चीज को टच ना करें सिवाय वो उस टेस्ट पे फोकस में। पहले अपने बचेंगे फिर दूसरों को बचा सकते हैं, जब अपना ही सेफ नहीं रहेंगे तो दूसरों को बचाया नहीं जा सकता। पहली प्रियोरिटी है अपनी वी सेफ, देन हम अपने आप को बचा लेंगे तो दूसरों को बचा सकते हैं। पता चला हम ही नहीं बचेंगे, हम ही कंटामिनेट हो गए, हम ही एक कैरियर हो गए उस डिजीज को फैलाने के लिए, तो क्या होगा हमारे पास क्या होंगे तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, तरह तरह के सब आते हैं, तो उससे क्या होगा हम खुद उनको दे रहे हैं, वो उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, तब हम उनको खुद एक डिजीज दे रहे हैं। इसलिए पहले खुद बचिए फिर दूसरों को बचाइए, इसलिए प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए। 10th वन इज परफेक्टली डिस्पेंसर के लिए क्या होने, पाम टू पाम पहले बेट वाटर सॉप अप्लाई करने के लिए, पाम टू पाम जैसे पिछला हम बताया था पूरा स्टेप। सेकंड में क्या करें राइज हैंड पाम ओवर लेफ्ट हैंड एंड बैक वाइज वर्सा। जो फिर थर्ड वन इज क्या होता है पाम टू पाम फिंगर टू फिंगर, फिंगर इंटरेक्ट होनी चाहिए। चौथे स्टेप में बैक फिंगर टू अपोजिंग पाम विद फिंगर इंटरलॉक, ये फिंगर को इंटरलॉक करके ऐसे ऐसे ताकि ये जो नेल्स हैं इसमें कहीं बॉडी फ्लूइड इसमें तो नहीं आ गए, ये जो नेल्स के बीच में स्पेस है इसमें तो नहीं आ गए। इसके लिए क्या करें जो सोप होगा ऐसे ऐसे हम करेंगे ताकि क्या होगा कोई भी कुछ भी बॉडी का वो जो फ्लूइड है किसी जो फ्लूइड है किसी का बॉडी पेशेंट का बॉडी फ्लूइड है वो हमारे संपर्क में नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे। एंड थर्ड इज रोटेशनल रबिंग ऑफ राइट थंब प्लस ओवर लेफ्ट थंब वाइस वर्सा, फिर थंब के आसपास ऐसे इस तरह उंगलियों के पास एंड फिर रोटेशनल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाइस वर्सा। और फिर लास्ट में इट इज इम्पॉर्टेंट टू राइज योर हैंड अंडर वार्म रनिंग वाटर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ सॉप फाइनली। इसके बाद हम लोग को क्या करना है वार्म रनिंग वाटर जो हो उससे क्या हो हाथ को साफ करें प्रॉपर हैंड को वॉश करेंगे एंड रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ फ्लोट। अब आते हैं क्या पहनने चाहिए, क्या उस पे ग्लव्स को कैसे पहनने चाहिए, क्या पीयर होने चाहिए, क्या हमको पहनने चाहिए ताकि हम उस पर्टिकुलर डिजीज से बच सकें, उस पर्टिकुलर बीमारी से अपने आप को बचा सकें। पहला द वेयरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव अपेरल प्रोवाइड द हेल्थ केयर वर्कर विद अ बैरियर बिटवीन देमसेल्फ एंड पोटेंशियल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड।
सबसे जरूरी क्या है? द ब्रीडिंग ऑफ प्रोटेक्टिव एपिरियल प्रोवाइड हेल्थ केयर वर्कर विद वेरियंट बिटवीन देमसेल्फ। जो ब्रीडिंग जो प्रोटेक्टिव एपिरियल होता है, जैसे ये आपका हो गया मास्क, हो गया ग्लव्स, हो गया अप्रैन, हो गया आई प्रोटेक्टर, हो गया कैप्स, हो गया और स्टडी फुट बियर हो गए, ये सब क्या अपीरियल है, ये आपके आभूषण है। अगर इसके बिना आप कई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या पेशेंट के पास जा रहे हैं, तो अपने क्या है, अपने आप को डिजीज के हवाले कर रहे हैं, लो भैया हमको बीमारी कास्ट कर दो, पैथोजन को अपने आप को सौंप रहे हैं। इसलिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर प्रिकॉशन होना जरूरी है ताकि हमको डिजीज ना आ सकें। देखिए कॉमन बैरियर्स आर ग्लव्स, अप्रेन, मास्क, आई प्रोटेक्टर, कैप, स्टडी फुट वेयर। अब आइए जो वेरियर है उनकी यूज। ग्लव्स, ग्लव्स क्या करता है, प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सर्विस प्रोवाइडर हैंड कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ द क्लाइंट। कोई जो आप जो पेशेंट आ रहा है, जो पेशेंट हम नहीं जान रहे कैसा पेशेंट है, क्या है उसकी, क्या हिस्ट्री है, हमें उसके पेशेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। इसलिए क्या करें, पहले आप जो कॉन्टेक्ट में आ रहे पेशेंट को जैसे हम करने गए, तो हमको प्रॉपर ग्लव्स लगा पहन के ही टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए या उस पिक करना चाहिए। इसका देखिए, प्रिवेंट द सर्विस प्रोवाइडर्स हैंड फ्रॉम कमिंग कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट्स ब्लड, अदर बॉडी फ्लूइड, म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉन इन्फेक्टेड स्किन एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट अदर आइटम्स। हम लोग प्रिवेंट जो सर्विस जो अपने हैंड हो जो क्लाइंट है उससे उसकी बॉडी फ्लूइड या किसी भी उसके फ्लूइड से क्या होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, हमारे इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। और सरफेस बेल कंटामिनेटेड विद ब्लड अदर बॉडी फ्लूइड। इसलिए हम लोग को पहला वेरियर क्या है, पहले अपने हाथों को, क्योंकि हम लोग क्या है, पहला जो टेस्ट या कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किससे कर, जब कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो पहला क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स का यूज करते हैं, जो ऐसा फर्स्ट प्रोटेक्टिव बैरियर है, क्योंकि जो हाथ हैंड है हमारा सबसे पहले किसी भी पेशेंट या किसी क्लाइंट के कॉन्टेक्ट में पहला आता है, तो पहले क्या ग्लव्स को होना बहुत ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्लव्स का होना। कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है वो चाहे भी कोई एस सी गोनरिया का या कोई भी पेशेंट हो, तो वो कंटामिनेशन हमारी बॉडी में ना आने पाए। सेकेंड वन इज मास्क। कोविड ने सिखा दिया लोगों को मास्क पहनना, कोविड ने ही सिखा दिया हम लोगों को मास्क पहनना, नहीं तो कौन मास्क पहनता था। अब कोविड जब से आया वाट लगा के चला गया, अब सब मास्क पहन के घूम रहे हैं। पहले कोई कहते थे अरे मास्क ठीक ठीक है, लेकिन अब इतनी सावधानियां, कोविड ने एक चीज सिखा दी कि लोगों को सावधानी बरतनी किसी भी बीमारी के प्रति। क्या होता था पहले, पहले कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं मास्क नहीं जरूरी, लेकिन अब बिना प्रिकॉशन लिए कोई भी हेल्थ वर्कर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स हैं, क्रोविड क्या है, मेनली ड्रॉपलेट एयर टू एयर ट्रांसमिशन है क्रोविड का। जैसे कोई छींक रहा है, कोई खांसी या भी तो सामने रहे हो, तो आपको भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कारण जिससे एक ही आप बचाने के लिए एक ही एक आपको प्रॉपर मास्क होना जरूरी है। देखिए, प्रिवेंट ड्रॉपलेट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड अनदर पर्सन इन द क्लिनिक, नोज माउथ विच कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर स्प्रेड ड्यूरिंग टॉकिंग, कफिंग, ब्रीथिंग और कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट। जो हम जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी बात करने से, जैसे बात कर रहा हो और उसको किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेबल हो जाएगा उसके जो बॉडी फ्लूइड है सलाइवा के थ्रू आपके अंदर। इसलिए पहले जरूरी है कि जो ओपनिंग है, पहले ओपनिंग कौन सी, आई हो सकता है या आपका माउथ हो सकता है, आप बात कर रहे हो तो माउथ ओपनिंग है, तो इससे कंटामिन जो उसके पैथोजन है आसानी से आपके बॉडी में एंट्री कर जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए। प्रिवेंट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर नोज एंड माउथ फ्रॉम बींग एक्सपोज टू स्लेश ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉपलेट कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या जो ड्रॉपलेट्स हैं, नोज की ड्रॉपलेट्स हैं या माउथ के सलाइवा हैं, इससे बचाता है। मास्क शुड कवर नोज माउथ एंड चीक्स एंड एक्सटेंड बिलो द चिन। जो मास्क हो वो क्या कर क्या क्या कवर करता हो, जो चिन हो आपके नोज हो
वो और ये पूरा ये कवर होना चाहिए, उस जिले की ये पूरा एरिया कवर होना चाहिए, ताकि कहीं से भी उस पैथोजन, वो पैथोजन आपकी बॉडी में एंट्री ना कर सके, एंट्री ना ले सके। देन इस आई बैरियर, उसके बाद क्या है आई बैरियर, एक आँख, आँख भी क्या है ओपन है। नो प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंटेड, प्रिवेंट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर आई फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड टू स्प्लैश ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। हम लोग को आँख की, आँख से दूर, थोड़ा दूर रख के टेस्ट को परफॉर्म करना चाहिए, ताकि उसका जो बॉडी फ्लूइड है वो छलक या किसी भी कंडीशन पे हमारी आँखों पे ना आए। एंड दिस इज अदर वन इज कैप, ये होना भी बहुत जरूरी है, कि क्योंकि क्या होता है कभी कोई जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी केस टेकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो पैथोजन है वो क्या हमारे बालों में चिपक सकते हैं, तो इसलिए या उसके लिए प्रॉपर कैप्स होती हैं, उसको लगा के ही प्रॉपर हेड शील्ड होती है, स्किन शील्ड होती है, उसको लगा के ही क्या करते हैं हमको कोई टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए। प्रिवेंट, देखिए आई प्रोटेक्टर हो गया, देखिए कैप्स, प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सर्विस प्रोवाइडर्स हेयर और स्किन सेट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर हेड फ्रॉम फॉलिंग द स्टराइल फील्ड। एंड द अदर वन इज जैकेट, ग्राउंड और प्लास्टिक अप्रेन, जो होता है इससे जिससे क्या हो फॉरेन पार्टिकल कहीं से भी हमारे वो अंदर ना सके। हम लोग के पास प्रॉपर गाउन होना चाहिए, प्लास्टिक शील्ड होना चाहिए, जो हम लोग इस समय पीपी किट सुना होगा कि डॉक्टर्स पहन के कोविड में बहुत सारे डॉक्टर परफॉर्म किए हैं, तो वो करने से क्या होता है जो जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंट्री नहीं कर पाता है ये सब पहनने से, पीपी किट या उसे क्या होता है एक आउटर हार्ड कवरिंग बॉडी के ऊपर लग जाती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर वो पैथोजन आ नहीं पाता है। देखते हैं, प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सर्विस प्रोवाइडर साम ट्रोज क्लॉथिंग फ्रॉम कमिंग कॉन्टेक्ट विथ क्लाइंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोवाइडर साम या तो किसी भी कंडीशन में जो क्लाइंट के हो, जो हो वो हमारे कांटेक्ट में ना आने पाए, इसके लिए पेशेंट को क्या पहनने चाहिए जैकेट, गाउन या प्लास्टिक अपने, और हेल्थ वर्कर के प्रिवेंट द सर्विस प्रोवाइडर स्किन फ्रॉम बीइंग एक्सपोज्ड टू स्प्लैश ऑफ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। जो वो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको, उनसे को भी बचाती है, वो तो बेचारे सबसे ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग को कूड़ा कचरा जो हम लोग ब्लड बॉडी फ्लूइड ये सब उठाते इधर उधर करते हैं, उनके संपर्क में आए, उनको क्या जो कुछ भी इनके स्किन के संपर्क में ना आने पाए। प्रिकॉशन, इसके लिए प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, ये जो ये कोई भी ना आए उसके लिए क्या प्रॉपर प्रिकॉशन होना चाहिए। अ वाटर प्रूफ अप्रेन शुड बी वोन अंडर अ जैकेट और गाउन ड्यूरिंग आवर प्रोसीजर। जब कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, वाटर प्रूफ अप्रेन होनी चाहिए। वाटर प्रूफ अप्रेन क्या अंदर वॉन अंडर जैकेट, जो जैकेट अप्रेन पहन रहे हैं उसके अंदर वाटर प्रूफ होनी चाहिए। गाउन और प्रोसीजर विच लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोसीजर लार्ज अमाउंट ब्लड एंड बॉडी लाइकली कैल्शियम डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी के समय जो ब्लड फ्लो होता है, जब ब्लड वो आता है एक उससे भी बचाता है, तो वो धक्के से कहीं से ब्लड आप यहीं से ब्लड करें डायरेक्ट कहीं से छींटे आके बॉडी पे पड़ गए तो क्या होगा उससे आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा क्या है सूस, सूस क्लीन फूड वेयर मिनिमाइज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉट अदर एरियाज ऑफ द फैकल्टी आउटसाइड इन दो सर्जिकल प्रोसीजर एरिया। आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर्स के सर्जरी या कुछ भी होता है तो वो कहते हैं प्लीज आप सूस निकाल के अंदर फिर अंदर एंट्री कीजिए ओपीडी में, क्योंकि हम सूस पहन के कहाँ कहाँ नहीं घूमते फिरते हैं, कहीं कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आते हैं, तो क्या आपने अपने साथ एक कैरियर लेके आते हैं पैथोजेनिक कैरियर, वो पेशेंट, वो जो पेशेंट है वो पार्टिकुलर पेशेंट है वो क्या होता है कैसा है क्या है कंटामिनेशन क्या है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता आ जाता है, इसीलिए प्रॉपर सूज को भी स्टाइल होना है, सैनिटाइजेशन होनी चाहिए उसको भी से क्या स्टाइलेशन होना चाहिए। फ्रॉम स्टेपिंग ऑन कंटामिनेटेड शार्प और फॉलिंग इक्विपमेंट, दूसरी चीज जैसे हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं अब शूज नहीं पहने हैं, वो पता चला वो जमीन पे कोई नीडल गिरी है
एस्पिरेशन ट्यूब गिरा, कुछ भी गिरा, बॉडी फ्लूड गिरा और वो उनकी प्रिक कर जाए तो क्या होगा, उनको भी वो बीमारी, पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हुए हमको शूज जरूर पहनना चाहिए, कोई भी हेल्थ हॉस्पिटल एंट्री करते समय या कहीं जाते जाते जहाँ पे ये हॉस्पिटलिटी हो। Suit should be worn in surgery. Healthcare worker should never bag food in the operating room. Clean plastic or leather boots covered with whole foot recommended. जैसे शूज क्या हो, आपका फुल्ली कवर्ड हो, आपकी जो बॉडी जो भी ये आप जब ऑपरेटिंग रूम में कुछ भी कर रहे हो, सर्जरी कर वन सर्जरी शुड बी वन इज सर्जरी हेल्थ जो आपका वो हो वो क्या हो पूरी तरीके से हर चीज आपकी शूज क्या हो आपकी बॉडी को कवर किया रहता है। बूट्स पहनने चाहिए, लेदर बूट्स पहनने चाहिए ताकि कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी हमारे से जो हमारे बॉडी में इंट्रिक ना कर सके। और ओपन सैंडल्स या जो स्लीपर्स हैं ये रिकमेंडेड नहीं किए जा सकते, इसको नहीं लिए कंसीडर किया जा सकता है। टाइप ऑफ एक्सपोजर, इसके प्रोटेक्टिव बैरियर्स एंड एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, अब इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लो रिस्क कॉन्टैक्ट विद इंटैक्ट स्किन, नो एक्सपोजर टू ब्लड, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है, स्किन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। ऐसे भी नॉर्मली हम लोग हैंड शेक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या नॉर्मल है, लो रिस्क है, इसमें किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जिसमें भी देखिए जिसमें भी किसी में भी बॉडी फ्लूइड का ट्रांसफर होने लगे हो या हुआ उसमें ही आपको डिजीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए ग्लव्स नॉट इसेंशियल, जब आप किसी नॉर्मल से इंटरेक्ट कर रहे हैं जब ब्लड का कुछ होना नहीं तो हरदम तो ग्लव्स लगा के नहीं घूम सकते ना, तो इसके ग्लव्स इसमें नहीं जरूरी है। इंजेक्शन और माइनर वुंड ड्रेसिंग में, इंजेक्शन लगाने समय या माइनर वुंड की ड्रेसिंग करते समय माइनर कट के लिए या कोई इंजेक्शन को प्री करने हो सकता है, ऐसे इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हो और ग्लव्स बीच में आ जाए ये ऐसा कुछ जिससे उसको दिक्कत हो सके, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसमें कोई ग्लव्स इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता। मीडियम रिस्क इसमें है probably contact with blood by splashing unlikely, probable contact with blood से normally आ गया या कोई examining करने का समय gloves or gown may be necessary, इसमें gloves या gown apron इसमें जरूरी है, इसको पहनना चाहिए जब हम कोई भी blood का work कर रहे हो या test कर रहे हो और perform कर रहे हैं। pelvic exam में handling laboratory specimen में, पहला क्या pelvic examination में, दूसरा क्या है कुछ लेबोरेटरी स्पेसमैन को हैंडल करने में हो सकता है जो आप ग्लव्स, इसलिए इसमें ये इसलिए जरूरी हो जाता है जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो टेस्ट परफॉर्म जो टेक्नीशियन या जो भी हेल्थ स्टाफ टेस्ट परफॉर्म करके गया है, टेस्ट परफॉर्म के हो सकता है वो स्टेलाइज किया हो ना किया, तो कैसा उसका हैंड हो, क्या ब्लड को कैसे टच किया, ये तो आप भी नहीं जानते ना, इसलिए पहले अपनी सेफ्टी जरूरी है, अपनी रक्षा आप स्वयं खुद कर सकते हैं, करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लव्स पहनिए या स्पेसिमेन कोई उठाइए या टच कीजिए तो ग्लव्स पहन के ही उसको टच कीजिए। आईओडी इंसर्शन के लिए या आईओडी को रिमूव करने के लिए लार्ज ओपन वुंड ड्रेसिंग इंटरवीनियस ड्राइंग ऑफ ब्लड, लार्ज ओपन वुंड जैसे बड़ी चोट लग गए हैं बड़े घाव लग गए उसमें भी ग्लव्स का पहनना जरूरी है, या ब्लड को निकालने के लिए भी ग्लव्स का हम यूज करेंगे। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें होता है, हायर रिस्क में देखिए कॉन्टेक्ट विथ ब्लड लाइकली स्प्लेसिंग प्रोबेबल अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही है, और जैसे कुछ लोग होता है ना कि तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं किसी की ब्लीडिंग या कुछ भी होती रहे या पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रॉपर ग्लव्स पहन के उसकी तो जान बचे या ना बचे भगवान जाने, लेकिन आपकी जान खतरे में आ सकती है अगर आपने प्रिकॉशन सही उस समय नहीं लिया तो, इसलिए पहले अपने आप को सेफ रखिए तब आप किसी को हेल्थ वर्कर को किसी को बचा सकते हैं। अरे दौड़ते दौड़ते गए उसको टच कर दिया उसका ब्लड फ्लूचर नहीं, पहले आपको प्रॉपर ग्लव्स पहनना है प्रॉपर स्टेलाइज होना तब आप उसको सेफ्टी कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं।
इसके लिए आपको क्या करना है, ग्लव्स पहनना पड़ेगा, अप्रेन पहनना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और आईवीआर पहनना पड़ेगा। किस किस कंडीशन में मेजर सर्जिकल प्रोसीजर, जब आप सर्जरी के समय हो, ओरल सर्जरी या वेजाइनल डिलीवरी के समय, इसमें ये तीन इंपॉर्टेंट हैं। शार्प नीडल मस्ट बी रीशीटेड और रीकैप्ड। नेवर बी आप नीडल है, जो नीडल सिरिंज है उसको रीकैप ना करिए, ऐसे ही डिस्पोज करिए। आप जैसे आप रीकैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये नीडल है, कोई भी नीडल को आप रीकैप करने की कोशिश कर रहे हैं और रीकैप करने के चक्कर में वो आपके हाथ में या हैंड में क्या हो सकती है, प्रिक हो सकती है, जिससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि रीकैपिंग ना करें। स्टाफ मस्ट ऑब्टेन असिस्टेंट विद टेकिंग ब्लड और गिविंग इंजेक्शन टू अनकोऑपरेटिव कंफ्यूज्ड पेशेंट। जो स्टाफ हो वो प्रॉपर ध्यान रखे, जब किसी का ब्लड ले रहा हो, इंजेक्शन दे रहा हो कंफ्यूज पेशेंट, उस पेशेंट के बारे में कोई जानकारी ना हो तो। नेवर कैरी शार्प बाय द हैंड और इफ ट्रांसपोर्टिंग ऑलवेज प्लेस एन अप्रोप्रिएट कंटेनर। आपको जो शार्प है कोई ऐसे लेके नहीं चल देना चाहिए, क्या हो कहीं से भी थोड़ा सा चूक हुई आपको कट लग सकता है या किसी को भी कट लग सकता है, जैसे उसके जो प्रॉपर कंटेनर है उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नीडल मस्ट बी ब्रोकन बेंड प्रियर टू डिस्पोजल। नीडल को क्या करेंगे, ऐसे टेबल पे रख के क्या कर देंगे, उसको बेंड कर देंगे, ब्रोक कर देंगे उसको डिस्पोज करने के पहले, या पिन पिन डालने पहले क्या कर देंगे, उसको प्रिक कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, ताकि वो किसी को ना लगे। लेकिन ध्यान रखें या अपने हाथ में ना टच हो। नीडल मस्ट नेवर बी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। ऐसे नीडल नहीं निकाला और हैंड टू हैंड ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कहीं थमाते हुए या देते हुए क्या होगा, आपको भी प्रिक कर जाएगा। When performing phlebotomy, cannulation, giving injection, all staff must wear appropriate disposal glove. जब phlebotomy या क्या करने, cannulation क्या करते समय, cannula लगाते समय या injection देते समय, उसकी जो उसके पास क्या होने, proper disposable gloves होने चाहिए, तब इस परफॉर्म करना चाहिए। नेवर रीयूज द साफ। आप जो साफ है उसको बार बार रीयूजबल नहीं करना चाहिए। डू नॉट डिस्पोज साफ विद अदर क्लिनिकल वेस्ट। जो अदर क्लिनिकल वेस्ट हैं उसके साथ उस साफ को डिस्पोज नहीं करना चाहिए। प्रॉपर क्या करना चाहिए, अलग से एक आपके पास डस्टबिन होनी चाहिए, जिसमें उस साफ को डिस्पोज करना चाहिए। साफ बीन्स टू कीप इन लोकेशन टू प्रोवाइड इंजरी टू पेशेंट विजिटर स्टाफ इंक्लूडिंग साफ बीन्स आर सिचुएटेड सुटेबल हाइट नॉट रेस्ट द फ्लोर अबव द शोल्डर हाइट। जो साफ बीन्स हैं उसको अबव हाइट होना चाहिए, ताकि कोई भी उसमें हाथ डाले या कहीं कुछ कर दे उसको प्रिक ना हो जाए। इसके लिए सुटेबल हाइट होना चाहिए या नॉट प्लेस ऑन द फ्लोर और अबव द शोल्डर। शोल्डर की हाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए कि पहुंच ही नहीं पा रहा उस सार को वहां पे डालने के लिए, ये प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ऑलवेज डिस्पोज ऑफ नीडल एज कंप्लीट यूनिट इनटू शार्प कंटेनर नेवर डिसेंबल प्रियर टू डिस्पोजल। Sharp should be 3/4 full prior to sealing and disposal. जो sharp है उसको 3/4 full prior होना चाहिए sealing and disposal. Never force the sharp into sharp container. जो sharp है ऐसे डाल के हाथ को ऐसे sharp को force नहीं करना चाहिए कि और आ जाए, पर अगर करने चले पूरा सीलिंग के 3-4 सीलिंग दर्द की पता किसी चीज का इन्फेक्शन आपको हो गया, इसलिए इसका भी प्रॉपर केयर करना चाहिए, प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। अब जो मैनेजमेंट ऑफ स्पिलेज है इसके आगे जो होगा वो हम अगली क्लास में, अगले उसके आगे कंटिन्यू करेंगे।
और कोई भी आपको समझते कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।